ऐसे तो पानी की ज़रूरत नहीं है कि ठंडा पानी कोई पिए, लेकिन फिर भी मैं रख देती हूँ कि कोई आए जाए तो एटलीस्ट उसके लिए रहे। फ्रिज में तो जगह ही नहीं है, मुझे जगह बनाना पड़ेगा। जगह बन गई। अच्छा ठीक है, ठीक है लेके आ रही हूँ। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टुडे व्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता। और जरा इस लड़के को देखिए, पहले छोटा बेड था तो पूरा बेड गंदा करता था ये लड़का, अब बड़ा बेड पे बड़े बेड पे सोना बैठना है तो ये पूरा बेड ये भी गंदा करता है लड़का। देखिए कैसे क्या होता है। वाशो वाशो वाशो, क्या कर ले भाई, अभी मैम पढ़ा के गई है इनकी और ये देखिए उनके जाते ही टीवी देखने लगे। ठीक है थोड़ा सा देख लो, उसके बाद बैठ के स्टडी करना, ठीक है ना। होमवर्क भी है अंडर मैम में। और ये है मेरी टीवी जिसमें कि ये देख रहे हैं। तो बताइए कैसे हैं आप सभी। मैं, मेरा एक तरह से देखा जाए तो ये प्रॉपर फर्स्ट व्लॉग है इस रूम से मेरा, और बहुत दिनों बाद आज मेरी वीडियो गई है। अब देख, हाँ मुझे लगा भी थोड़ा सा टाइम होगा, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा शाम हो गया। दोपहर आज तो लगा दोपहर हो गया होगा। ये हमारी छत, मैंने सोचा छत दिखाऊँ आप सभी को कि कितना ज़्यादा भी फिलहाल काम चल रहा है इस वजह से। बस ये है कि जो मंदिर मुझे सामने दिखता था वो मंदिर अब पूरा सामने से नहीं दिखता है। ये सारे फ्लैट्स जो हैं अभी बन रहे हैं, भगवान जी बहुत ज़्यादा ही नीचे हो गया है और साईं बाबा मुझे अभी दिख भी नहीं रहे हैं। जब दिखते थे तो अच्छा लगता था। ये देखिए एकदम साइड में आने के बाद बस मुझे ऊपर से इतना दिख रहा है, और मेरे छत पर खड़े होने के बाद कितना दिख रहा है मैं वो भी दिखाती हूँ। ये वाला मेरा डोर है, ये किचन की विंडो है, और मैं यहाँ से दिखाती हूँ आप सभी को साईं बाबा का। बस यहाँ से थोड़े से शंकर जी और हनुमान जी दिख रहे हैं, बाकी साईं बाबा नहीं दिख रहे हैं। वो एकदम उस साइड में जाने पे ना, बालकनी में उस साइड में जाने पे एकदम उस वाले तो वहाँ से दिखेंगे, वो भी उनका पैर हल्का सा दिखेगा, बस दैट्स इट। और छत की अभी जो हालत है वैसी की वैसी ही है, क्योंकि अब जब सब सारा काम होगा ना, ये सब हो ही रहा है, तो उसके बाद सही होगा। चलो चले अब मैं सब्जी वब्जी कट कर लूँ, क्या बनाना है क्या नहीं। इधर वाला डोर मैं बहुत कम ओपन करती हूँ, और ये वाला बेड देखिए इधर मैंने रखा हुआ है, अभी फ़िलहाल इसको रखना है, अभी समझ में नहीं आ रहा कहाँ रखूँ, देखती हूँ जहाँ भी रखना होगा। चलो बच्चे, इसका मैंने इधर बाहर लगवाया हुआ है, कितना वाइट वाइट लग रहा है। हाँ पानी इसमें रखा हुआ डस्टबिन मैंने। हाँ चलो, रूम में अंधेरा है। ब्राउन हो गई हूँ। हाँ हाँ शुक्रिया, आप थोड़ी ब्राउन हो गई हो। तो मैं बनाने जा रही हूँ, हाँ सही तो है, लौकी थी लिया था मैंने, बना भी नहीं, डर लग रहा है ख़राब ना हो गया हो, देखती हूँ। देखते हैं खराब हुआ है कि सही है। लौकी सही है, सिर्फ बाहर से खराब था, अंदर से एकदम ज़्यादा सही है। इसको मैं कट कर लेती हूँ, और सिंपल सा कुछ नहीं, सिर्फ लौकी की सब्जी और रोटी बनाऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा ही मैं ऐड करूँ अपने डाइट में, लेट्स सी कितना हो पाता है। जितना सोचो ना कि आज मैं ये डाइट पे फॉलो करूँगी वो करूँगी, नहीं हो पाता है। चुकंदर का जूस बना रही थी, दो दिन पिया उसके बाद छोड़ दिया, यही होता है तेरा। लेकिन ये ऊपर का रूम है ना, इसलिए इस रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा उस वाले रूम में, उसी वाले रूम में ही कट करूँगी मैं। तो ले लो सारा लहसुन, बस इसमें लहसुन और मिर्चा तो पड़े, लहसुन बास्केट ले लिया। पहले इसको छील लूँ, उसके बाद फिर मैं इसको कट करूँगी।
चलिए चलती हूँ। आप सभी ने मेरे से बोला था होम टूर करवाइएगा कि आपका रूम कैसा लग रहा है, घर कैसा लग रहा है। बहुत जल्दी रूम टूर करवाऊँगी मैं। जो है वो कट हो चुकी है। ऑयल डाल दिया है, ये है जीरा और ये गई सब्जियाँ, साथ ही साथ नमक और हल्दी भी ताकि अच्छे से गल जाए। और इसके बाद बना लूँगी मैं रोटियाँ। और मुझे अपने नीचे वाले किचन की बहुत याद आ रही है क्योंकि वो किचन काफ़ी बड़ा था और उसमें गर्मी भी नहीं लगती थी। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी क्योंकि ये बिल्कुल फ्रंट में पड़ रहा है किचन। जल्दी जल्दी बस मैं सोचती हूँ बना करके हटूँ क्योंकि सच में इसमें बहुत गर्मी होती है। हमारा डिनर जो है वो रेडी हो चुका है, सब्जी रोटी एंड दाल चावल खाना है। सुन लो जरा, दाल चावल खाना है, ठीक है? थोड़ा सा चावल है, अभी दूसरी सब्जी भी है, ठीक है ना? आओ उसको भी ले, है निकालू, लेके आओ, आ जाओ। नीचे देखो है आलू, लेके आओ। हाँ ठीक है, लेके आओ, मैं खा लेती हूँ फिर मैं मिलती हूँ। खाना खाने के बाद बाशु यहाँ पे सोने की एक्टिंग कर रहे थे और मैं वीडियो बना रही थी और इसको बार बार परेशान कर रही थी। तो देखिए कैमरे में आकर के इस तरीके से मुँह बना रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं। हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका है और आप सभी के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे। मैंने सभी के कमेंट्स पढ़े और मुझे लगा कि मैं एक ही वीडियो में आप सभी का आंसर दे दूंगी क्योंकि अलग अलग से वीडियो बनाना ये मेरे बस का नहीं है कि एक दिन मैं इसका रेट बताऊं, एक दिन उसका रेट बताऊं। तो सारे का ही वीडियो मैं एक ही साथ बना देती हूँ। आज का व्लॉग जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा था। आज के व्लॉग में बस एक नॉर्मल ज़िंदगी थी, एक नॉर्मल व्लॉग मेरा आज स्टार्ट हुआ। और वाशो वॉल्यूम स्लो करो बेटू, वाशु टीवी देख रहे हैं अभी अभी नाइट का टाइम हो गया, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, मे बी समथिंग 10:30 से ज़्यादा ही हो गए हैं। और आप सब ने, सबसे पहले मैं बता दूं कि रूम का रेंट आप सब ने बहुत ज़्यादा ही पूछा था कि मेरे रूम का रेंट कितना है और मैंने वो रूम क्यों छोड़ा। काफ़ी लोग न्यू जुड़े हुए हैं तो वो भी जानना चाहते हैं कि मैंने वो रूम क्यों छोड़ा और मैंने क्या कहाँ पे लिया। तो कहाँ पे लिया ये तो मैं बहुत टाइम से आप सभी को बता रही हूँ कि मैं उसी फ्लैट में हूँ, मैं कहीं और इधर उधर नहीं गई हूँ। वो 2 BHK था, ये 1 BHK है। वो मेरे लिए बहुत बड़ा था, मेरा एक हॉल और एक रूम एक्स्ट्रा पड़ा रहता था, उसकी मुझे कोई नीड नहीं थी क्योंकि मैं अक्सर अकेले रहती हूँ, कभी कभी घर से कोई आया तो आया, अदरवाइज़ एक हॉल और एक रूम मेरा ऐसे ही पड़ा रहता था। और उसका रेंट भी ज़्यादा था तो कोई मतलब नहीं है कि इतना रेंट भी दो, हालांकि बाकी लोगों के अकॉर्डिंग मेरा कम था लेकिन फिर भी मेरे लिए ज़्यादा था। और इस वजह से जब स्टार्टिंग में मैं आई थी तब मैंने यही फाइनल किया था, लेकिन बीच में मुझे लगा कि चलो उसी में रह जाऊंगी, लेकिन फिर लगा कि नहीं यार वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा, बेवजह का इतना लेने का कोई मतलब नहीं है। इस वजह से मैंने लास्ट में फ़ाइनल यही किया जो मैंने स्टार्टिंग में फ़ाइनल किया था। तो अब इसका जो रेंट है आप में से काफ़ी लोग जानना चाह रहे थे तो चलो ठीक है मैं बता दे रही हूँ, इसका 6,500 रेंट है क्योंकि ये भी काफ़ी स्पेशियस है। एक रूम ये है, एक रूम उधर है, मतलब हॉल टाइप सा दे दिया है, स्पेस दिया है, वहाँ पे किचन है, वॉशरूम है। तो इतने तक में तो यहाँ पे 1 BHK आपको मिलता ही मिलता है। तो 6,500 इसका रूम का रेंट है। और दूसरा ये आप सभी ने बहुत ज़्यादा ही पूछा था जब मैंने आप सभी को AC और TV दिखाया था कि कितने का पड़ा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो मैं इसका भी प्राइस आप सभी को बता देती हूँ। हालांकि AC और TV तो मम्मी ने ही लिया था मेरे और बहुत टाइम से वो बोल रही थी लेने को, लेकिन प्लानिंग तो हमारी बहुत टाइम से थी, मेरी भी मम्मी का भी। मन बड़ा चंचल होता है, मैं भी सोचती थी ले लूँ जल्दी से ले लूँ, लेकिन क्या है ना मैं इस चीज़ के इंतज़ार में रहती थी कि यार कभी अपना घर बनेगा तो फिर लूँगी। लेकिन अब पता नहीं वो टाइम कब तक आएगा, जहाँ पे फ्लैट की बातचीत हो रही थी वहाँ पे हो ही रही है अभी। कोशिश कर रहे हैं हम कि क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, वो भी जैसे जो भी फ़ाइनल होगा मैं वहाँ पे जो भी बात होगी मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी कि हाँ वही फ़ाइनल हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जो भी जैसा होगा, जहाँ भी फ़ाइनल होगा, करना तो है ही फ़ाइनल मुझे, एक घर या ज़मीन कुछ भी फ़ाइनल करना है, तो देखते हैं कि कब तक होगा। तो जैसा भी होगा उसका तो मैं बताई दूंगी आप सभी को। अब बात ये है कि AC और TV कितने में पड़ा। तो मेरा जो AC है वो है पैनासोनिक का
और टीवी जो है वो मेरा BPL का है, मैंने रिलायंस से लिया था। तो BPL आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा, काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा। पहले की कंपनी थी जो अभी फिर से न्यू लॉन्च हुई है, जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलायंस ने ली है। तो जाहिर सी बात है रिलायंस पे ट्रस्ट करके हमने ये ले लिया। और बाकी टीवी के अकॉर्डिंग ये 50 इंच की है, 50 इंच की हम अदर ब्रांड्स में जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा ही महंगा पड़ रहा था वो 50-60, और मुझे 50-60 इतना वो नहीं करना था। हमारा बजट था कि 25 तक लेंगे हम टीवी, ये था कि 25 तक ले लेंगे अच्छी एवरेज में 43 इंच की समथिंग। लेकिन ये ऑफ़र में था और अभी ये वापस से न्यू आया है, इस वजह से होली के टाइम चल रहा है तो ऑफ़र में था, तो हमने इसको टीवी को 50 इंच की टीवी, काफ़ी बड़ी है ये, हमने लिया नियर अबाउट 30 में। टीवी हमारी 30 में पड़ी। और AC जो है उसका भी ऑफ़र ही चल रहा था और उसके अकॉर्डिंग पूरा मिला करके हमें AC जो है वो 40 में पड़ गया था। तो मैंने रेट आप सभी को बता दिया कि कितने में क्या पड़ा, नियर अबाउट 40 ये पड़ा AC, और TV जो है नियर अबाउट 30 पड़ा, मतलब कुल मिला जुला के 70,000 नियर अबाउट पड़ा था। और बस ले लिया, जैसे जैसे ये सब चीज़ें ऐसी हैं ना कि रोज़ लेने वाली नहीं है। अब मैं चाहूँ तो मैं भी ये सोचूं कि अरे यार मैंने इसे अच्छा मोबाइल ले लिया होता, कोई अपने ऊपर खर्च कर दिया होता, तो ये मुझे नहीं सही लगता। मुझे ये सही लगता घर की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जो होनी चाहिए एक घर में, वो चीज़ें लेना बेस्ट रहता है। इस वजह से मैंने इसको चूज़ किया। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं कुछ और भी ले सकती थी, लेकिन मुझे घर की ज़रूरतों को पूरा करना, क्योंकि इन फ्यूचर मान लीजिए कि साल दो साल में मैं घर बनवाती हूँ तो ऐसा तो है नहीं ना तुरंत AC ले लूँगी, तुरंत TV ले लूँगी, तुरंत ये सारी चीज़ें ले लूँगी, वो तब इंसान नहीं कर पाता है। क्योंकि घर की ज़रूरतें इतनी होती हैं ना, जब नया घर बनवाओ, मैं तो देख रही हूँ यहाँ पर दीदी क्या ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं, ये घर में लगवाना है, ये करना है, टाइल्स लगवाना है, मार्बल लगवाना है, ये सब, तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो इससे अच्छा है कि अगर मेरे पास अभी ये चीज़ है कि मैं कर सकती हूँ ये चीज़, तो मैंने कर लिया। घर की ज़रूरतों की चीज़ें ही हैं, ऊपर का रूम है, गर्मी भी होता ज़्यादा ही, तो इस वजह से लेना मुझे सही लगा। क्योंकि वाकई बहुत ज़्यादा चारों तरफ से जो वॉल है ना, बहुत ज़्यादा हीट देता है, बहुत ज़्यादा गर्मी देता है। तो इस वजह से, और आने वाले टाइम में ज़रूरी नहीं है कि मैं ये सब TV और AC ये सब चीज़ें खरीदूँ। तो जो ज़रूरत की, जो लाइफ का सबसे बड़ा मोटो है मेरा, मैं क्यों परेशान हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे फ्लैट लेना है या फिर प्लॉट लेना है, तो उस चीज़ में मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगी, ना कि इन सब चीज़ों में। वो तो मम्मी की बदौलत हमने ले लिया। तो बस रेट मैंने बता दी और काफ़ी लंबा मैंने वीडियो भी खींच दिया। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, और आप सब ने बहुत पूछा है। मैं धीरे धीरे वीडियो बनाती जाऊँगी कि मम्मी ने क्या क्या लिया, मैंने आप सभी को नहीं दिखाया तो उसका ब्लॉग कल आएगा, तो मैं दिखा दूँगी काफ़ी सारी चीज़ें ली, ज्वेलरी, साड़ी, कपड़े, ये सब क्यों लिया, ये सब चीज़ें आप सभी को कल पता चलेंगी कल की वीडियो में। तो आप सभी मेरे चैनल पर बने रहिएगा। अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।